नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन और इसकी विविध प्रश्नमाला आज पढ़ेंगे। विविध प्रश्नमाला में हमने देखना है कि पूरे चैप्टर से जो मिले जुले सवाल हैं, जो पूरे चैप्टर में आए हैं, इस तरह के सवाल हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं कुछ सेलेक्टेड सवाल जो मुझे लग रहा है कि आपको बताने चाहिए वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोर्ड पे करूँगा, और बाकी जो सवाल हैं वो आप करेंगे, उनको हल करेंगे, रफ में देखेंगे, फिर उसको फेयर में लिखेंगे, और कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछेंगे। मैं सबसे पहले 17th नंबर का डाउट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें हमें बताया गया है कि लॉग्रेंज मध्यमान प्रमेय, मैंने पिछले लेक्चर में आपको रोले और लॉग्रेंज प्रमेय के बारे में बताया था। आप एक बार एक एक सवाल वापस से विविध प्रश्नमाला में से उन दोनों का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 17 में दो डाउट डाल रहे, मैं दूसरा जो बड़ा डाउट है इन दोनों में से वो बताऊंगा। विविध प्रश्नमाला का 17 का बी आपको बता रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल एक चिन्ह फलन दिया गया, इसको बोलते हैं चिन्ह फलन। पहला है 1 + x, और ऐसा कब होना है जब x छोटा होता है 2 से। दूसरा दिया है 5 - x, ऐसा कब लेना है जब x बड़ा और बराबर हो 2 के, और x जो है वो सदस्य रहेगा 1, 3 का। ये हमारा सवाल, इस पे हमें लॉग्रेंज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन जांचना है। देखिए हल कैसे करेंगे सवाल को। हम सबसे पहले देखेंगे कि चूंकि 1 + x तथा 5 - x बहुपदीय फलन की श्रेणी में आते हैं। कैसे फलन है? बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन है तो दोनों अपने दिए गए अंतराल में संतत और अवकलनीय होने चाहिए। स्टूडेंट हम इन्हें चेक करेंगे पहले कि ये संतत और अवकलनीय है या नहीं। आप मुझे कहोगे कि गुरुजी ये तो बहुपदी फलन है, इसको चेक करने की जरूरत पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक ही राशि 2 के ऊपर उस 2 के बाएं और दाएं जाने में फलन की स्थिति बदल रही है। यदि एक सिंगल फलन होता और वो बहुपदी फलन होता तो शत प्रतिशत तय था कि वो संतत भी होता और अवकलनीय भी होता। परंतु हुआ क्या कि हमारे पास फलन के 2 भाग हैं। 2 से कम होने पर ये आएगा, यानी बाएं सीमा में अलग लेना है। 2 से बड़ा होने पर ये आएगा, यानी दाएं सीमा में अलग लेना। जब बाईं और दाईं सीमा दोनों में अलग अलग तरह के फलन काम में लिए जा रहे हैं, तब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि स्थिति क्या होनी चाहिए। यानी फलन अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय है और संतत है या नहीं, इन दोनों को हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो देखिए मैं चेक करता हूं।
में संतत है या नहीं इस बात को चेक करता हूं, और संतत है या नहीं ये आप ये भी आपको पता लग जाएगा कि संतत कैसे होता है, कैसे जांच करते हैं। मैं भाषा में लिखूंगा x बराबर 2 पर संतत है या नहीं, इस गुण को फलन की सांतत्यता कहते हैं, यानी x बराबर 2 पर फलन की सांतत्यता के लिए काम करना। पहले एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में सीधा लिखूंगा यहां पर x एक्सटेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, जिसके ऊपर चेक करना है बाई सीमा में उस पर माइनस लगाते हैं, दाएं सीमा में उस पर प्लस लगाते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप रहता है लिमिट एक्स एच एक्सटेंड टू 0 और फलन में जिस पर चेक करना है उससे एच माइनस लगा सकते। ओके सिंपल वह काम है, ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। आप फलन में मान रखना है 2 से कम होने पे आएगा, तो इसी लाइन में पूरा करता हूं उसको मैं, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 और इसमें मान रखना है तो मान आया 1 प्लस 2 माइनस एच, एच का मान क्या रखना है 0, उत्तर आ गया 2 और 1 3। हो गया यहां तक, उत्तर आ गया 3। आगे देखिए आर एच एल राइट हैंड लिमिट, वो लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 2 प्लस आएगा, आर एच एल प्लस आता है, एल एच एल माइनस आता है, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 रहा, यहां 2 प्लस एच रहा, लिमिट है एच एक्सटेंड टू 0 है, वैल्यू रखूंगा इसमें जब 2 से बड़ा है, 2 प्लस एच यानी 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा होने पर फलन ये काम में आएगा, ये 5 पहले से पड़ा था माइनस पड़ा था 2 माइनस एच हो जाएगा, एच का मान तो स्टैंड 0 आना ही, ये रहा 5 में से 2 गया 3 आ गया, एल एच एल आर एच एल बराबर है। अब एफ 2 भी याद करना है, यानी ये तो 2 के बाईं ओर क्या मान है, ये 2 के दाईं ओर क्या मान है, और 2 पर क्या मान है, 2 के बाईं ओर 2 के दाईं ओर और 2 पर तीनों मान बराबर होते हैं तब उस पर वो फलन संतत कहलाता है। 2 पर कितना मान है याद करने के लिए मैं फलन में x का मान 2 रखूंगा, यानी 2 के बराबर रखूंगा, जब 2 के बराबर है तो ये फलन काम में आएगा, x का मान 2 आ गया, कितना आया बोलो 3। यह एक लाइन होती है क्योंकि लिमिट x एक्सटेंड टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x एक्सटेंड टू 2 प्लस एफ एक्स और बराबर f 2, तीनों मान समान है, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, और x बराबर 2 पर ही नहीं 1,3 में संतत है। ओके ये मैंने सांतत्यता आपको जांच कर ली बताई है।
अब हम बात करेंगे अब हम जांच करते हैं फलन की अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो पहले एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। एलएसडी में लिमिट एट एक्सटेंड टू जीरो और हमारे पास पहले आएगा एफ टू माइनस एच और यहां पर आ जाएगा माइनस एफ टू नीचे टू माइनस एच यानी इक्वल में ये माइनस एच ही लिख सकते हैं इसको अपन डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखे माइनस एच लिखे डायरेक्ट तो भी इसको चलेगा क्योंकि वो वैल्यू जो है वो यहां पर होती है एक्स माइनस एच और यहां पर एक्स होती है। एल एच एल में माइनस कैच रहेगा नीचे आर एच एल में प्लस कैच रहेगा। ये हमारा यहां हम बात कर रहे हैं ये प्रॉपर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यदि हमें ओनली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती सवाल में तो उसको विस्तार से करना है सुधरा सोल्व भी कर सकते हो आप डायरेक्टली ऐसा भी ले सकते हो सीधा एक्स पे चेक कर लो एक्स एक्स इंटू टू माइनस हो जाएगा उसमें सीधा सीधा आप यहां पर जो वैल्यू है x माइनस टू उस पर चेक करोगे और एक है अपने पास में जो वैल्यू पहले से फिक्स है दो पर उस पर चेक करोगे। अभी तो x क्या आना चाहिए दो से कम आना चाहिए वो आएगा यहां पर और यहां पर क्या आता है एफ एक्स होता है जो फिक्स है दो के ऊपर मान लो पांच से चेक करनी होती तो ये पांच से कम पे क्या आएगा वो फर्क नहीं आएगा पर पांच पे क्या आ रहा है वो यहां है। हम x बराबर 10 पे चेक करना होता x बराबर 10 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती तो यहां 10 से कम लेने पर कौन सा फलन आता है वो आएगा और 10 के ऊपर ठीक ठीक 10 के ऊपर क्या आता है वो यहां है। समझ में आ गई। और नीचे हमारे पास वही रहेगा यहां पर 2 माइनस एक्स यानी देखो यहां पर क्या x से दो कम हो रहा ना देखना जरा गौर से एक्स से कितना हो रहा है दो कम हो रहा है तो यहां एक्स माइनस टू लिख ओके आगे चल ले लिमिट एक्स इंटू टू माइनस हो गया बस दो स्टेप में इसे निपटाएंगे अब दो से कम लेने पर फलन का ये भाग काम में आता है तो यहां रख दूंगा मैं वन प्लस एक्स माइनस पूरा पूरा दो रखा जाए तो क्या आता है पूरा पूरा दो रखा जाए तो दो के बराबर रखने पर यूज करना है और x का मान दो रखा जाए तो पांच माइनस दो कितना उत्तर आता है तीन आता है तो यहां क्या जाएगा तीन और नीचे क्या था x माइनस दो जरा देखना आप ये क्या है एक प्लस का तीन माइनस का एक स्टेप आप चाहो तो लिख दूं लिमिट x इंटू टू माइनस ये ऊपर वाला भी x माइनस दो हो गया नीचे वाला भी x माइनस दो है पहले से कितना उत्तर आ गया एक आ गया कट गए भाग लग गया पूरा। आगे देख आर एस डी राइट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लेना है सिंपल सी बात है x x इंटू टू प्लस लेना है यहां पर तो जो फलन एफ एक्स आएगा यहां पर टू ही आएगा और नीचे x माइनस टू यानी जो माइनस वाली वैल्यू है वो नहीं रखनी है। अब क्या रखनी है यहां पर जो प्लस का वैल्यू था सवाल में फलन में वही मान हमारे पास रखना है। आई बात समझ में नहीं आई
तो देखिए इसको आगे हम ले चलते हैं। तो हमारे पास हो गया लिमिट x एक्स इनटू 2 प्लस, और इसका मतलब है 2 के प्लस में, यानी 2 से बड़ा होने पे क्या आएगा, 2 से बड़ा होने पर 5 माइनस एक्स आएगा, ये लो 5 माइनस एक्स, और 2 पर वैल्यू कितनी आती है 3, यानी एक फलन में पूरा पूरा 2 रखे तो पूरा पूरा एक्स का मान 2 रखोगे। ये तो मेरी बात सुनना, एक्स बड़ा है 2 से, 2 से बड़ा है तो भी यही काम मैंने, और 2 के बराबर तो भी क्या मैंने, अब 2 से बड़ा है तब एक्स का मान 2 नहीं रखेंगे, आप 2 से बड़ा कितना है ये थोड़ी दिया गया है, तो एक्स का वैल्यू कैसे रखोगे, पर एक्स बराबर 2 है पक्का, साहब एक्स बराबर 2 रखना है, जब एक्स का वैल्यू 2 रखता हूं तो 5 माइनस 2 3 आता है, तो वो रख दिया मैंने 3, नीचे एक्स माइनस 2 पढ़ाई था, क्या आया लिमिट एक्स एक्स टेंड टू 2 प्लस, ये हमारे पास क्या हो गया 2 माइनस एक्स, नीचे हो गया एक्स माइनस 2, उल्टे हैं मतलब रिजल्ट आया माइनस का 1। आप कह देंगे कि एल एच डी नॉट इज इक्वल आर एस पी, अतः एक्स बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, एक्स बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए इस फलन पर लोगरेंज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन नहीं किया जा सकता। 31 सवाल लिखोगे, समझ में आ गया। फिर मैं आगे सवाल लेता हूं उसका 16th, इसमें रोले की प्रमेय सत्यापन करना है, आप चौथे एक सवाल इसको बदलता हूं मैं, इसका भी बी लेता हूं, रोले की प्रमेय का सत्यापन, सवाल संख्या 16 ले रहा हूं। देखिए विविध प्रश्नमाला चल रही है अपनी, 16 का भी बी लिया है मैंने, वो है हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3, जहां पर एक्स है वो एक्स बिलोंग्स टू 1,3, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 1,3, हमें यहां पर रोले की प्रमेय का सत्यापन करना है, रोले की मध्यमान प्रमेय, रोले की मध्यमान प्रमेय, तो उसमें देखो हम इसको गुणा करेंगे तो क्या बनता है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, ये एक स्टेट और सिंगल बहुपदी फलन है, हम लिख देंगे क्योंकि यह एक बहुपदीय फलन है, यह एक बहुपदीय फलन है जो कि आपने दिए गए संवृत्त, हालांकि कल मैंने सारी भाषा लिखवाई आपको, आज फिर से एक बार लिखा देता हूं और देख लें समझ लें, संवृत्त अंतराल 1,3 में संवृत्त में संतत होना चाहिए और विवृत्त में अवकलनीय होना चाहिए, तथा विवृत्त अंतराल विवृत में छोटा कोष्टक आता है, संवृत में बड़ा कोष्टक आता है, विवृत अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, जिस फलन का अवकलन संभव हो वह अवकलनीय फलन
कहलाता है। ये तो हो गई पहली दो विशेषता। रोले और लोगरेज में तीन तीन प्रतिबंध थे। जो सवाल इन तीनों प्रतिबंधों को आपका पालन करता है उसी पर रोले और लोगरेज की प्रमेय लग सकती है। तो पहला प्रतिबंध था कि बंद अंतराल, बड़े कोष्ठक वाले को बंद बोलते हैं, सैवृत भी बोलते हैं, क्लोज इंटरवेल में संतत होना चाहिए यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा था, पहला हो गया संतत कंटिन्यूस, दूसरा था खुले अंतराल, विवृत अंतराल, और या फिर उसको बोलते हैं ओपन इंटरवेल में, छोटे कोष्ठक वाले में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या थी, रोले ने तो कहा था कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ए का मतलब ये लोअर लिमिट को ए कहते हैं, अपर लिमिट को बी कहते हैं। ए इस लोअर लिमिट पर फलन का मान जितना आता है उतना ही अपर लिमिट पर आना चाहिए, तब उस प्रकार के फलन पर रोले की प्रमेय लग सकती है। और पहले वाले दोनों प्रतिबंध बंद अंतराल में संतत और खुले में अवकलनीय है, ये दोनों सिद्ध होते और एफ ए बराबर बी नहीं आता, यानी निम्न सीमा पर फलन का मान उच्च सीमा के बराबर नहीं आता, तब आप कहते इस पे लोगरेज लग सकती है। बंद अंतराल में संतत होता खुले आराम से, खुले अंतराल में अवकलनीय होता यानी बड़े कोष्ठक वाले में संतत, छोटे कोष्ठक वाले में अवकलनीय, और निम्न सीमा पर फलन का मान उच्च सीमा के बराबर होता तब तो रोले लगती, और वो दोनों प्रतिबंध सिद्ध हो जाते, संतत हो जाता अवकलनीय हो जाता, पर निम्न सीमा पर जो मान आता वो उच्च सीमा के बराबर नहीं आता, तब वहां लोग देखते। अब देखिए आगे, तीसरा बिंदु लेता हूं कि एफ ए, ए का मान एक है श्रेणी पर, फलन में एक रखता हूं तो इसमें रख दो, यहां रख दो, एक रख दो, एक माइनस एक जीरो हो गया, यहां भी रख लो, एक का स्क्वायर एक आएगा, एक ये हो गया अपने पास कितना तीन चार, और ये माइनस चार जीरो आएगा, जीरो है। एफ बी यहां निकाल दो, या मान रख के दिखाना है दिखा सकते हो, नहीं दिखाओ कोई बात, तथा एफ बी, और एफ बी कितना तीन है, तीन रखो तो तीन माइनस तीन ये भी जीरो, हाँ जी हाँ जी, आप कहेंगे चूंकि एफ ए इज इक्वल एफ बी है अतः या तो या तब इस फलन पर रोले की प्रमेय का सत्यापन किया जा सकता है। अब सत्य होगी या सत्यापित होगी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता, हम इस पर सत्यापन करने का काम इस पर कर सकते हैं, प्रोसेस इस पे लगा सकते हैं, सत्यापन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके, आप सत्यापन कैसे करेंगे, आइए आगे काम करते, या इस लाइन को हटाकर मैं दो लाइन हो जाएगी, एक लाइन में काम चलाता हूं, तब फलन की अंतराल एक कोमा तीन, छोटे क्वेश्चन लिखा है, के मध्य एक अवयव, या थोड़ा सा और वो लिखवाया था मैंने, वो लिख दूं आपस में, कम से कम एक अवयव,
कम से कम एक अवयव इस प्रकार है या इस प्रकार होगा, है मतलब दावा कर दिया हमने है, भविष्य होगा या नहीं होगा, इस प्रकार होगा कि एफ डेस सी बराबर जीरो, कम से कम एक अवयव यहां पर ये लिख दो, ये देखना है यहां पर एक अवयव सी लिख दो उसको, सी इस प्रकार होगा कि एफ डेस सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ डेस का मतलब होता है प्रथम अवकलज, इसका प्रथम अवकलज करता हूं तो एफ डेस सीधा सी लिखूंगा मैं यहां पर, आकलन करो दो एक्स माइनस चार आएगा, अब एक्स नहीं क्या लिख दिया मैंने सी, तो दो सी माइनस चार बराबर क्या होना चाहिए जीरो, सी का मान निकालना है दो सी बराबर चार और सी बराबर स्टूडेंट आ गया दो, क्या दो हमारे अंतराल के बीच का है, हाँ जी दो हमारे अंतराल के बीच का है, लिख देना इस प्रकार रोले की प्रमेय का सत्यापन हुआ, इस प्रकार रोले की प्रमेय का सत्यापन हुआ, ये हमारा 16th का बी था, अच्छी तरह देख ले बोर्ड पे जितने मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम बात करेंगे 15th की, बहुत अच्छा सवाल है, 15th में ए और बी दोनों आपको दोनों बता दूंगा मैं, पहले इसका बी लेता हूं, बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है जो अब मैं सवाल करवा रहा हूं 15th, इस तरह के सवाल 7.5 में है, ऐसे सवाल ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं 6 नंबर का, जो 26वां सवाल आएगा 6 नंबर का, वो अब जो करवा रहा हूं इस तरह का सवाल ही आता है, और इस तरह के सवाल हमने 7.5 में पढ़े थे। आ जाइए, हमें कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई रूट वन प्लस सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये तो दिया गया लिख देंगे, हम बताया आपको मैंने 5.5 पढ़ाई तब मैंने बताया था कि दिया गया सिद्ध करना कैसे से लिखने, तब हमें सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में वाई पड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में वाई पड़ा है, इंटू में वाई पड़ा है, थोड़ा सा ये पूरा नहीं दिख रहा इधर आपको, मैं इसको इरेज के थोड़ा नीचे लिखता हूं, ये था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ये हमें सिद्ध करना है। आ जाइए, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि आप चाहो तो इसे अपन अंश बटा हर से भी अवकलन कर सकते हैं, और अंश बटा हर से नहीं करो तो क्या कर सकते हैं, देखिए जो आपको अच्छा लगे सवाल एक बार अच्छे कर लूंगी, है सवाल हमारा था 15th का बी, और 15th का बी में ये पड़ा है, ओके ऑल राइट, सही है सवाल है, सही है, आ जाओ हल करता हूं, मैं सवाल को लिखा पहले मैंने, ये साइन इनवर्स हो गया और बाई यानी बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि भाग की बजाय गुणा सरल होता है, ये यू बटा वी है
मैं इसको यू इंटू वी में चेंज कर सकता हूं। इस वन माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले गया, गुणा में वाई पढ़ाई था, बराबर साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा। अब यहां पहला गुणा दूसरा लग जाएगा, यू इंटू वी लग जाएगा, यहां प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। सूत्र के अनुसार पहला गुणा दूसरे का अवकलज, तो वाई का डीवाई बाई डी एक्स प्लस अब की बार दूसरा गुणा पहले का अवकलज। इसका एक तरीका और, अभी देखो आप चाहो तो यहां पर आप दोनों पक्ष में स्क्वायर भी कर सकते हो ताकि आपको रूट का सामना नहीं करना पड़े। बाकी रूट आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन है। चले तो ये अब अपने स्टार्ट कर दिया, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज। तो पहला कौन है, रूट है, रूट का तो हमेशा नियम है एक बटा, रूट का नियम याद है ना, एक बटा दो गुणा खुद, एक बटा दो गुणा खुद। अब खुद का होगा तो आएगा माइनस का टू एक्स, ऐसा कई बार पढ़ चुके अपन। फिर इज इक्वल क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स का होता है एक बटा रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। यस ओके। अब मैं ये बराबर निशान है, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, पूरे समीकरण को रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूंगा, यानी दोनों पक्षों को रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने का। यहां देखो गुणा किया तो इसका रूट हट गया, dy बाई dx हो गया। यहां इस दो से दो कट गया देखो, और माइनस आ गया निशान, गुणा करूंगा तो ये हट जाएगा, तो ऊपर आ गया माइनस का एक्स वाई, और यहां से ये हट गया, क्या आ गया एक। ओके बात समझ में आ रही है यहां तक, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, अपने सवाल तो सही उतार रहा है पर जो सिद्ध करना है वो ऊपर वाले का पार्ट ले लिया, ये सिद्ध करना था ना, ये पार्ट इस पंद्रहवें का ए का लिख लिया भूल से, तो बी में सिद्ध करना ये था वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, वाई टू का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर पढ़ा है इज इक्वल थ्री ए वाई वन, वाई वन का मतलब प्रथम अवकलज, डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई। स्टूडेंट ऐसा पढ़ा है तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत लग रही है, यहां सवाल किताब को उठाया देखो, यहां प्लस है माइनस है कहां बराबर है वो अभी अपन चेक कर देंगे। तो सवाल में यहां सेम टू सेम लिखा है बुक में, यहां भी बराबर है यहां भी बराबर, चेक कर लेते हैं कहां दिक्कत है, अभी सही कर दूंगा। यहां आ जाओ आप, यहां तक आ गए अपन, यानी अपने चाहिए जो जैसा आ रहा है अभी आ जाएगा। अब एक सापेक्ष का पुनः अवकलन करने पर इसको उठा रहा हूं, 16 का बी था उसको उठा रहा हूं मैं, चलिए अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने का, ये भाषा लिखनी है तो वही लगाएंगे हम, पहला गुणा दूसरे का अवकलन, दूसरा dy बाई dx था तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर दूसरा गुणा पहले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x होगा, फिर माइनस पढ़ा था x इंटू वाई, दिख रहा आपको माइनस पढ़ा था x इंटू वाई, ये रहा, तो इसमें भी लगेगा पहला गुणा दूसरा, तो पहला गुणा दूसरे का अवकलन dy बाई dx प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलन, मैंने इसको
कॉस्ट में लिखा क्योंकि पहले माइनस था, फिर बराबर में जीरो पड़ा था, तो इसका कैलकुलस क्या हो गया जीरो। यहां इसको लिखते हैं एक बार, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसको वाई टू लिख दू, डबल डेरिवेटिव है ना, तो वाई टू लिख दू इसको। यहां पर माइनस दे तो इस पे प्लस मतलब माइनस लगा दूंगा, ये टू आएगा एक्स आएगा आर इंटू डी वाई बाई डीएक्स को मैं वाई वन लिखता हूं। यहां देखना माइनस एक्स ये भी क्या वाई वन है, इस माइनस के कारण दिशा बदल के माइनस का हो जाएगा ये y हो जाएगा बराबर क्या पड़ा है जीरो पड़ा। एक स्टेप और लेता हूं मैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, इन दोनों में से y1 कॉमन आ जाएगा या फिर इनको दोनों को ऐड कर दो तो ये दो है री कितना है एक, तो हो गया तीन एक्स वाई वन माइनस वाई बराबर जीरो। ये इसका फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट, ये लो। तो हमारा जो सिद्ध करने में यहां जो बराबर निशान है बुक के अंदर वो बराबर नहीं है, क्या आएगा माइनस आएगा, चेंज कर लो इसको, बुक में बराबर पड़ा है इसको चेंज कर लो, माइनस आएगा। ये पंद्रह का बी था, फिफ्टींथ का बी था, फिफ्टींथ का ए भी बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए यहां से स्टार्ट करता हूं फिर अपन मिटाते रहेंगे आगे से आगे। फिफ्टींथ के ए की बात करते स्टूडेंट, सवाल है y इज इक्वल e की पावर ए एक्स, y इज इक्वल e की पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स, ये तो हमें दिया गया है, यही लिख दू शॉर्ट में कि हमें सिद्ध क्या करना है, ट्रू ट्रू का मतलब है सिद्ध क्या करना, अभी लिखा था हमने जो उसमें भूल से लिखा था वही है डी स्क्वायर वाई या डबल डेरिवेटिव है अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस था टू ए और ब्रेसिस में था सॉरी इंटू में था डी वाई बाई डी एक्स और यहां प्लस था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई और इज इक्वल जीरो। ये हमें सिद्ध करना है, मैं यहां प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता उपपत्ति, अपन बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये आएगा। सवाल लेंगे पहले, सवाल जो उसको एज इट लिखा जाएगा और साइन बी एक्स था ओके, वही भाषा रहेगी एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का आकलन करने पर ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, वही लगेगा पहला, ये पद पहला होगा ये पद दूसरा, तो पहला पड़ा है अपनी जगह इंटू दूसरे का होगा तो साइन का कोस होता है, एक बार बी एक्स ही रहेगा इंटू में बी आ जाएगा प्लस दूसरा साइन बी एक्स पड़ा रहेगा e की पावर कुछ भी हो उसका एक बार अवकलज e की पावर जो है वही होगा, e की पावर यहां पचास एक्स होता तो एक बार e की पावर पचास एक्स लिखा जाता, e एक चर घातांकी फलन है उसका अवकलज और समाकलज वो खुद ही होता है। अब e की बात होगी उसके ऊपर जो पड़ा उसका होना है तो ए एक्स का करेंगे तो ए तो गुणांक है और एक्स का क्या होता है एक होता है तो ए तो गुणांक है एक्स का एक होता है, ये इसको एक स्टेप और आप लिखना चाहो ढंग से तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ये पड़ा रहेगा बी इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कोस डी एक्स प्लस ए इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। स्टूडेंट ये हमारा सवाल था, देख लो ये जिसको हमने वाई माना था, जिसको हमने वाई माना था वो ही है, तो यहां इसको वाई लिख दूंगा तो एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी डी वाई बाई डी एक्स शायद दिख रहा है यहां पर आपको b इंटू e की पावर ए एक्स इंटू कोस डी एक्स और प्लस क्या हो गया ए वाई हो गया क्योंकि इसका वैल्यू y के बराबर है, चाहो तो इसको एक नंबर समीकरण डाल देना और यहां मझला कोस लगा के लिख देना समीकरण एक से, ऐसा हमने किया है। इतनी बात समझ में आपकी आई, आगे बढ़ता हूं मैं।
इसको हटाता हूं इधर से, इतने में देख लिया होगा आपने। सवाल बहुत ही शानदार है, 6 नंबर वाले सवाल है, इसलिए मैं पूरा सवाल बताऊंगा आपको, केवल हिंदी देकर नहीं छोड़ूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका फिर अपन आकलन करते हैं। यहां लिखते हैं अपन एक्स की सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः आकलन करने पर, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये पड़ा हमारे पास में बी ई की पावर एक्स, तो बी तो गुणांक का पड़ा रहेगा, ये पहला होगा ये इतना दूसरा, तो बी को बाहर रख दूंगा मैं, यहां मजला पोस्ट लगाऊंगा, ई की पावर ए एक्स पहला गुणा दूसरे का माइनस क्या होगा साइन होगा, कोस है, कोस का होता है माइनस साइन, कोस का वाय आगे बी एक्स तो मुझे पढ़ा रहेगा, अब बी एक्स का बी हो गया, बी से क्या हो गया बी हो गया, फिर प्लस अब की बार क्या लगेगा दूसरा गुणा, यह दूसरा कौन है कोस बी एक्स, पहले का प्लस ई की पावर ए एक्स का, तो ई की पावर ए एक्स ही होता है और इंटू में ए आ गया, क्योंकि ए एक्स का इंटू में क्या आएगा ए आ जाएगा। ये तो हुआ अभी पहले पार्ट, थोड़ा इसको पास में लिखता हूं, साइज छोटी करता हूं, आगे चला गया उधर आपको नहीं दिखेगा मेरे पास, ये हो गया माइनस साइन बी एक्स इंटू बी प्लस कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू ए, ये अभी इस इतने पद का अवकलन, इसका करेंगे ए वाई का, तो प्लस ए तो पड़ा ही वाई का डीवाई बाई डी एक्स, ओके। आज जरा इसको सोल्व कर ले, एक से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, देख ये माइनस था, माइनस पहले लिया, फिर ये बी से भी इंटू होगा, तो प्लस का हो गया ए बी ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, और प्लस का ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स पहले से मौजूद है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी, देख यहां पर देखिए ये क्या बन गया, वापस y बन गया, समीकरण एक से देखो e की पावर x इंटू साइन बी एक्स, ये बन गया y, तो यहां पर लिखूंगा मैं इसी को वापस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो गया माइनस का b स्क्वायर y। इतनी बात समझ में आ गई सबके, ये आ गया हमारे पास में b स्क्वायर y, यहां ए बी इंटू की पावर एक्स कोस बी एक्स पड़ा है, इसको एक बार देख सकते हो आप क्या आएगा, यहां बी इंटू की पावर एक्स इंटू कोस बी एक्स, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये उठ के इधर आ जाएगा माइनस इधर जाएगा, चाहो तो मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं ए, और ब्रेसिस में आएगा आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का ए वाई, और प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स आपके पास पहले से पढ़ा था, समझ लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इतना पार्ट है ना, ये वाला ठीक है, इसको मैं यहां से उठा के ले रहा, यहां से उठा के ला देखे, ऐसे ये दिख रहा है बी ई की पावर एक्स कोस बी एक्स, इसको उठा के दिलाऊ तो माइनस को हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई बराबर हो जाएगा, इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई लिखा जा सकता है, ओके। इसको ओपन करें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
ये रह गया माइनस का बी स्क्वायर वाई, ये इसे इंटू होगा, इसे भी इंटू होगा, तो ये हो गया प्लस का ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी ए इसे भी इंटू होगा, ए इसे भी इंटू होगा, ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर वाई प्लस का ए डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, देखो ये वाले सेम है, इन दोनों में से वाई कॉमन आ जाएगा, तो वाई कॉमन आया वो भी माइनस का वाई ले लू चाहिए चाहो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई कॉमन आ गया, ठीक है, फिर ये दो हो गए तो प्लस के हो गए दो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट जब मैं इन दोनों पदों को उठाकर इधर लाऊंगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस, यानी ऐसा हो जाएगा बस, ये माइनस हो गया, सॉरी प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, बराबर क्या गया जी, यही हमें सिद्ध करना है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स, टू ए था यहाँ पर, टू ए डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसी को चेंज कर लिख दिया, आप एक्स की और पढ़ा, ओके ये हमारा हुआ कौन सा डाउट नंबर 15 का, ए और बी दोनों ने बता दिए, मेन मेन सवाल अपने हो गए हैं, अब इसके बाद में ले चलता हूं आपको मेन मेन, अभी मतलब सारे तो नहीं हुए अभी कर रहे हैं अपन, 14 आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं 14 कोई दिक्कत नहीं आएगी, 13 और 12 ये दोनों मैं आपको करवाता हूं, अभी पहले 12 करवा देता हूं, 12 थोड़ा सा इजी है, यहां से हटाना देख लेना, इजी तो सारे ही इजी है, इसकी बात नहीं, पर इसका छोटा सा हिंट देकर आपको पूरा करता हूं, अच्छा सवाल है देखते रहिए आप, 12 हाँ 12 है हमारे पास में साइन वाई, 12 साइन वाई इज इक्वल बड़ा एक्स साइन, एक्स साइन ए प्लस वाई, ऐसा पढ़ा है और हमें चाहिए, ये तो पढ़ा है और सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव में हमें चाहिए मेरे ख्याल से डीवाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और बाई साइन एच, क्या होगा, अच्छी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं, आओ सॉल्व करते हैं, प्रूफ लिखता हूं मैं यहां और सवाल क्या पहले उसको लिखता हूं, साइन वाई इज इक्वल ए सॉरी एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स यही रखूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, एक्स वही रहेगा ये नीचे आ जाएगा, तो बनेगा एक्स इज इक्वल ए प्लस वाई, ओके आप इसका वाई के सापेक्ष करूंगा, वाई के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने, वाई के सापेक्ष याद रखना दोनों पक्षों का अवकलन करने का, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई, हो गया यहां पर लगेगा अंश बटे हर, सूत्र जानते हैं हर गुणा ये लो सा, हर गुणा अंश का अवकलन, अंश कौन है साइन, साइन है क्या आता है कोस, ये एक साल लिख देता हूं कोस वाई, वाई का वाई के साथ एक्सपेरिमेंट ले को जाएगा माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, हर कौन है साइन, साइन क्या आएगा कोस आएगा कोस, और ए प्लस वाई, ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई करना तो ए का कॉन्स्टेंट जीरो हो गया और वाई का वाई के साथ एक होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, इसको वाई और ठीक से लिख देता हूं, बटे हर का स्क्वायर, हर कौन है ये लो हर का स्क्वायर, हर गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज बटे हर का स्क्वायर, सवाल हो गया बस चिंता मत करो, ये डीवा डी एक्स बाई डी वाई पढ़ा पढ़ा रहे नहीं तो अपना क्या लिखा, यहां पर एक सूत्र देखना साइन ए कोस बी,
माइनस कोस ए साइन बी, याद आ रहा है सूत्र हो गया किसका, साइन मल्टीप्ले कोस में एक्स माइनस वाई का, ये तो हो गया एक्स माइनस वाई का सूत्र। नीचे क्या पढ़ा है, नीचे पढ़ा अपने पास में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये वाई से वाई कैंसिल हो गए, क्या आया साइन ए, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके अब इन दोनों उलट देंगे, ये उलटते ही डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये उलटते हैं क्या हो जाएगा वाई साइन स्क्वायर ए वाई अपॉन साइन ए। देखो कहां गया जो चेप टू प्रूफ, ये वाला जाएगा, ये अपना ट्वेल्थ डाउट हो गया, ट्वेल्थ हो गया, और 14, 15 की बात होगी 16, 17 जो बड़े बड़े डाउट हैं, और एक बार थोड़ा सा हिंट के तौर पे मैं 13 भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर अपन बाकी जो कोई बचा है आपको पूछना है जो मुझे लगेगा अपन कल के नेक्स्ट चैप्टर में बात कर, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहां पर y इज इक्वल पढ़ा था साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स पावर भी वही है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके जब मैंने कहा फलन के ऊपर फलन पावर हो तो उसका लघुगणन लोग लेकर ही उसे हल कर, ये सवाल लिख लिया मान लो मैंने, 13वां सवाल है और इसको हल कर रहा हूं यहीं से, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगी, चल ले तू, मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का लोग लेने पर, बाय टेकिंग द लोग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का लोग लेने पर। ओके ये हुआ डी वाई बाई सॉरी लोग ले रहा हूं, क्या लिख दिया मैंने, लोग वाई, और ये घात लोग लेते समय घात गुणा में आ जाती है, लोग लिया तो लोग इसके पहले लगेगा तो घात पहले आ जाएगी, घात लोग आधार, इसको आधार बोलते हैं, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, तो घात लोग आधार ऐसे लिखा है, और मुझे लग रहा है कि ये बाहर जाएगा, आपको पता दिख रहा है ना, इसलिए आप मान जाओगे क्या लिखना, ये लिख रहा हूं मैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स, थोड़ा बाहर चला गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अब की बार छोटा कर दूंगा इसको, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, देख लेना ये दूसरा है और ये पहला है, इसको U की तरह काम में लूंगा, इसको V की तरह, सारे संकेत लिख दिए मैंने, ओके इसका अवकलन करता हूं मैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ये बात आपको लिखनी है, समझ में आ गई होगी, ये 1 अपॉन y हो गया लोग का हुआ, y का dy by dx हो गया। ओके ये पहला पढ़ा है तो पहला आपने जगह बैठा रहेगा कौन, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, पहला इंटू दूसरे का, दूसरा कौन है लोग साइन एक्स माइनस कोस, लोग का करूंगा तो लोग के आगे वाला एक के बटे में आ गया, ये लो साहब आ गया एक के बटे साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो गया, फिर इसका खुद का होगा तो साइन का क्या होता है माइनस कोस होता है, माइनस कोस, और कोस का क्या होता है साइन होता है, हो गया बाहर जा रहा है आगे नहीं लिखूंगा मैं, ये तो हो गया इसका पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस, कोई चल रहा है पूरा नहीं हुआ प्लस, अब की बार दूसरा और इंटू पहले का अवकलन, इसका करोगे तो क्या आएगा साइन का कोस होता है, सॉरी ये यहां पर माइनस लगा गया था, ये साइन का कोस ही होता है तो कोस एक्स, और यहां पर कोस का माइनस साइन होता है तो ये प्लस का साइन होता है। ओके यहां पर साइन का कोस हो गया, कोस का माइनस साइन होता है तो प्लस का साइन आ जाएगा, आप देखना ये ऊपर है और ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ये भाग में उधर चला जाएगा तो वाई ऊपर चला गया, बदला कोस लगाऊंगा मैं, ये बचा मेरे पास में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यहां देखो ये दोनों, ये वैसे इंटू में नहीं, ये दूसरा इंटू पहले का उस तरह से पढ़ाएं तो ये यहां लोग के बाद इंटू में नहीं माना जाएगा वरना तो दो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये हमारे पास में प्लस
साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ओके, और फिर लोग, ये लो लोग, स्टूडेंट आगे दिख नहीं रहा आपको, बताऊंगा आपको मैं, ये लोग और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आगे लिखता हूं। यहां नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, कुछ नहीं करना, y की वैल्यू उठा के रखनी है, ये dy की वैल्यू, ये अपना dy by dx हो, आराम से देख ले, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, मैंने 6 सवाल आपको एक्सप्लेन किए बड़े बड़े, इसके पहले जो 11 तक सवाल है वो बहुत इजी गोइंग तरीके से होने, लगभग सवाल आपको समझा रखें, किसी में डाउट होता मुझे बोल देना, फिर एक आध सवाल को लगेगा मुझे, एक दो सवाल किस जो आपको एक्सप्लेन करने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, इसमें से कोई भी डाउट है आप मुझे पूछें, कॉल करें और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज, अवकलज का अनुप्रयोग, कि अवकलज का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, काम में कैसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ आपसे, बार बार संपर्क कर रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, एक एक बच्चे के पास 5,000 बोल जाता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता। आपने टेस्ट भी बहुत कम लोगों ने दिया है। नेक्स्ट टेस्ट कब से होगा, कैसा होगा, ये आपको मंडे ट्यूजडे तक आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन, तो उसकी भी तैयारी करें। साथ में मैं आपको फिर से आप जोर देकर कह रहा हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट वीडियो देखे, पढ़ाई करे, होमवर्क करे, तैयारी करे, होमवर्क सबमिट करे, प्लस टेस्ट भी दे। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं देख पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए, आपका भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।